अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुशहाल होंगे। मैं भी ठीक हूँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आप लोगों के लेकर आई हूँ सीरम कलेक्शन की तरफ। चैनल से पहले आप लोग मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। तो यहाँ मेरे पास 5 सीरम्स हैं, ठीक है। तरह तरह की कंपनीज हैं और तरह तरह की वराइटी है इनमें सब में। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मेरे पास 24 गोल्ड्स हैं। यहाँ पे अम्पॉयल 99% प्योर गोल्ड देख सकते हैं आप। अब मैं इसको ओपन करती हूँ, गोल्ड पैकिंग में है, देखें। इसको मैंने यूज किया है 2 से 3 मंथ्स। इसकी ये पैकिंग है। इधर भी बाहर वाली पैकिंग वाला सब कुछ लिखा हुआ है। ये हमारी स्किन के पोर्स को क्लीन करता है, और जब हमने इसको सुबह उतारते हैं अपने नाइट सीरम में, जब सुबह अपने फेस से उतारते हैं, हमारी स्किन टाइट हुई होती है काफ़ी, और ये हमारी स्किन के वाइट करता है, जो हमारी स्किन का ओरिजिनल कलर होता है, जो हम लॉस्ट कर देते हैं सन की वजह से, तो ये उसको गेन करता है दोबारा हमारी स्किन पे आके। ये देखें, मैं इसको ओपन करके इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखें, ये देखें वन ड्रॉप, ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी बहुत स्मूथ है। ये देखें, ये स्मूथ है, इसलिए ये मेरे स्किन को वाटर बना रहा है। ये देखें अभी मैं इसको अप्लाई ही कर रही हूँ, और इसने अपना असर छोड़ना शुरू कर दिया है। अंदर से पोर्स को क्लीन करी जा रहा है, तब ये ड्राई होता है, तो मैं इसका रिजल्ट आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ड्राई हो गया 24 गोल्ड, ये देख सकते हैं कितना टाइट हो गया मेरी स्किन, कितनी टाइट, और ये वाले देख सकते हैं कितनी स्मूथ है, और ये देखिए कितनी ही टाइट हो गई है यहाँ पे। तो ये आपको गोल्ड चंक्स नजर आ रहे हैं यहाँ पे स्किन, इन दोनों का डिफर चेक कर सकते हैं आप लोग। चलिए, अब ये वाला ऑनेस्ट रिव्यू था, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। इसको मेरी तरफ से आपको कितनी रिकमेंडेशन है, इसको 100 में से आपको मेरी तरफ से 50 रिकमेंडेशन है, ठीक है। इतने अच्छे, ज्यादा इतने अच्छे रिजल्ट नहीं है इसके। अब यहाँ पे आ गए हम, बायो एक्वा चाइनीज कंपनी है, ये रिमूवल ऑफ एक्नी है। बाजार से बाय करना हो तो बायो एक्वा की कंपनी का नेम ही लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, मिल जाएगी चीजें। पाकिस्तान की नहीं है, चाइना की कंपनी है। अंदर से जो सीरम है वो इस तरह की कंडीशन में है, ठीक है। इसको मैंने 2 से 3 वीक यूज किया है। ये देखिए, मैं इसको ओपन करती हूँ। ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी, इसको मैं अप्लाई कर लेती हूँ ताकि ये ड्राई हो जाए मेरे वीडियो बनाते बनाते। यहाँ पे ये देखें, इसको मैंने अप्लाई कर लिया, और इसने मेरी स्किन में ऑब्जर्वेशन भी ले लिया है। और यहाँ पे अब मेरे पास है बायो एक्वा रिमूवल एक्नी, ठीक है। एक्नी की रिजर्वेशन है, एसेंस लिक्विड है, बहुत अच्छा ट्रांसपेरेंट लिक्विड है। इसका रिजल्ट 100% में से 99% है। आप लोगों को रिकमेंडेशन भी 100% में से 90% है, 99% है। और अगर आपको अच्छे तरीके से इसको अप्लाई और यूज करना आता होगा तो 100% ही इसकी रिकमेंडेशन होगी आप लोगों को। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सीरम की तरफ। नेक्स्ट सीरम है यहाँ पे मेरे पास रधा ब्यूटी। यहाँ पे मेरे पास नेक्स्ट सीरम है रधा ब्यूटी प्लस स्किन केयर। आप नाम देंगे बाजार में विटामिन सीरम रधा ब्यूटी विद स्किन केयर, आपको इजीली मिल जाएगा किसी भी कॉस्मेटिक शॉप से। आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेंगे, देखें स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। इसकी इंग्रेडिएंट्स है यहाँ पे 20% विटामिन सी, हाइलोरिनिक एसिड के ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बनाई हुई है, अपने यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। वो फेस वॉशेस पर थी, उसके अंदर भी हाइलोरिनिक एसिड था, तो हमने प्रॉपर एक्सप्लेन किया था। हाइलोरिनिक एसिड हमारी स्किन खुद बनाती है, और आहिस्ता आहिस्ता हमारी स्किन के अंदर इतनी सख्त नहीं रहती कि वो बना सके। हाइलोरिनिक एसिड कम होने लगता है, हमारी स्किन टाइट होने लगती है, हमारी स्किन थोड़ी सी ढीली होने लगती है, जिसकी वजह से हमारी स्किन पर रिंकल्स वगैरह पड़ने लग जाते हैं। तो यहाँ पे, और यहाँ पे प्रोफेशनल एंटी एजिंग के लिए भी है, और ब्राइटनिंग सीरम भी है। ये देखिए, मैं इसको ओपन करती हूँ, इसकी पैकिंग, ये
की ब्लैक कलर बाहर से आउटर पैकिंग इसकी वाइट है, इनर जो पैकिंग है वो ब्लैक है। ये देखें विटामिन सीरम यहाँ पे भी सारा कुछ वही लिखा हुआ है। अब मैं इसको ओपन करती हूँ। ये बहुत अच्छा सीरम है, बायो एक्वा की तरह इसको भी यहाँ पे अप्लाई करके मैं आपको दिखाती हूँ। बायो एक्वा की तरह इसके भी 100% में से 99% इसके भी मेरी तरफ से। इसको मैंने टोटल 15 डेज यूज किया है, 2 वीक्स यूज किया है कि ड्राई हो, तो मैं इसके रिजल्ट आप लोगों के साथ शेयर करूँ। फिर देख सकते हैं मैंने 2 सीरम लगाए हैं ब्राइटनिंग वाले, तो मेरा ये वाला हैंड वाइट हो गया और ये बेचारा पहले जैसा ही रह गया। यहाँ पे ये देखें बहुत अच्छी पैकिंग है, इसका रिजल्ट भी 100% में से 99% है। इसको यूज करने की इतनी खास कोई वे नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास कोजिक एसिड वाला है, कोजिक एसिड भी एक अच्छा एसिड है जिसको हम यूज करें, हमारी स्किन व्हाइट करता है, हमारी स्किन को ब्राइटर बनाता है, स्मूथ करता है, ठीक है। कोजिक एसिड और यहाँ पे व्हाइटनिंग फेशियल सीरम है, ये व्हाइटनिंग रेजुवेनेशन सिस्टम है। इसमें कोजिक एसिड है, कोलाजिन व्हाइटनिंग है, कोलाजिन जो व्हाइटनिंग है ना, इसमें कोलाजिन व्हाइटनिंग हमारी स्किन को व्हाइट करता है, हमारे पोर्स को क्लीन करता है और हमारी स्किन की डेड सेल्स को रिड्यूस करता है। ये कोजिक एसिड वाला आपने बाजार से कोजिक एसिड वाली कंपनी का नेम लेंगे तो आपको मिल जाएगा इजीली किसी भी कॉस्मेटिक शॉप से। अब मैं इसको ओपन करके इसके रिजल्ट दिखाती हूँ आप लोगों को। ये ट्रांसपेरेंट पैकिंग में अंदर से जो इसका है ना वो ट्रांसपेरेंट प्लस ब्लू ग्लिटर के साथ है। ये नजर आ रहा है ना आपको वीडियो में, ट्रांसपेरेंट प्लस ब्लू ग्लिटर है इसके अंदर। अब मैं इसको यूज करती हूँ अपने हैंड पे। ये देखें ये बहुत स्मूथ और थिक इसकी कंसिस्टेंसी है। इसमें ये ब्लू कलर के ग्लिटर्स भी हैं, ब्लू कलर के। ये अब ड्राई होता है तो मैं इसके रिजल्ट आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये देखें ड्राई हो गया। इन दोनों का रिजल्ट देख सकते हैं आप लोग। लास्ट सीरम है यहाँ पे मेरे पास, हुदा ब्यूटी सुपर लाइट बूस्टर सीरम है। यहाँ पे मेरे पास ग्लो बेबी है। ये आप लोगों के लिए कितनी एज तक है, ये अंडर टू 20 to 30 है, ठीक है। इसके अंदर से पैकिंग मल्टी ऑरेंज एंड रेड है। ये स्किन को स्मूथ बनाता है, ब्राइटर बनाता है। इसके यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स है इसके अंदर ग्लाइकोलिक एसिड है यहाँ पे, प्लस विटामिन सी, ठीक है। इसको मेरी तरफ से 100 में से 70 रिकमेंडेशन है। ये देख सकते हैं इसकी पैकिंग इतनी को अच्छी है ना, अमेजिंग किस्म की इसकी पैकिंग है। और ये वाटर वाली इसकी कंसिस्टेंसी है। ये अभी माई स्किन इसको हाफ आवर में अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेगी। ये आपको नाइट के बाद रिजल्ट देंगे, सारे सीरम नाइट सीरम है, ठीक है। नाइट के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा। मैंने वीडियो शूट करनी है तो मैं अभी ही सारे सीरम का रिव्यू दे रही हूँ आपको। ये नाइट वाले सीरम है, आपने इसको रात में लगा के सोना है, अपने फेस पे अप्लाई करना है और सुबह आपको एक अच्छा हॉस्टल सा रिजल्ट मिलेगा। अब ये इसका रिजल्ट शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। ये हमारी स्किन को बेबी सॉफ्ट बनाता है, सॉफ्ट करता है, स्मूथ करता है। ये आपको नजर आ रहा है कितनी स्मूथ कर दी है इसने मेरी स्किन को। अब यहाँ पे 5 सीरम्स थे यहाँ पे मेरे पास, जिनका ऑनेस्ट रिव्यू आप लोगों को दे दिया मैंने। मैं आप लोगों के साथ ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। आप भी मेरी वीडियो को लाइक किया करें और शेयर किया करें। अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।